हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली नीट 2021 में हम लोगों के पास एक डाउट था कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे, नीट कितनी बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा। तो फाइनली एजुकेशन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया कि 2021 में जो नीट होगा वो दो बार एग्ज़ाम होगा, और इस एग्ज़ाम में आप दोनों में दे सकते हो और एक भी दे सकते हो। अगर आप दोनों दिए तो जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसीडर किया जाएगा। अभी एग्जैक्ट डेट वगैरह तो नहीं आया है। मेरा सजेशन है कि फाइनल एग्ज़ाम देने जाने से पहले नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता चलता है, और साथ साथ हमें अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चलता है कि मेरा किस लेवल तक प्रिपरेशन हो चुका है। अगर मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं तो हमारा लेवल ठीक ठाक प्रिपरेशन हो चुका है, अगर नहीं हो रहे हैं तो दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ो और थियोरी पढ़ो, फिर जाके क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ। यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी जो मैं रिसेंट में अपलोड किया हूँ वो मैं SHM अपलोड किया हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें मैं 55 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए हैं। तो साथ साथ इसमें मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस किए हैं जिससे आप कम टाइम में बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस टाइम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और साथ साथ टेस्ट दो, और मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।